बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फिजियोलॉजी ऑफ डीप सी डाइविंग एंड अदर हाइपरबैरिक कंडीशन। इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन कंसर्न होने वाला है वो ये कंसर्न है कि जब हम डीप सी डाइविंग करते हैं या फिर हम सरफेस से नीचे सी लेवल से जब हम नीचे जा रहे होते हैं, जब प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह के चेंजेस आते हैं और किन किन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सप्लेन करती है ये चीज़, ये पूरा चैप्टर है कि जब हाइपरबैरिज्म होगी ना, कि हमारी बॉडी कि ऊपर से जब बाहर से प्रेशर, जब वाटर अपना प्रेशर डालेगा तो क्या इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले देखना है कि रिलेशनशिप ऑफ द प्रेशर टू सी डेप्थ आ गया जी। अच्छा, इससे पहले जो चीज़ हमने ऊपर देखनी वो ये है कि जैसे हमारी बॉडी वाटर के अंदर जाती रहती है तो उसके ऊपर जो वाटर के ऊपर वाटर का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ करता जाता है। जब वो इंक्रीज़ करता जाता है तो अब हमारी बॉडी के जो लंग्स हैं, ताकि वो कोलैप्स ना कर जाएं, तो वहाँ पे उनको भी हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। जब वो हाई प्रेशर वो सप्लाई करते हैं अपने एल्वोलाई के ज़रिए, तो ये हाइपरबैरिज्म की कंडीशन बन जाती है। अब रिलेशनशिप होता है किसका, प्रेशर का सी डेप्थ के साथ। जैसे जैसे सी डेप्थ होती जाएगी इंक्रीज़, वैसे वैसे आपके पास जो प्रेशर है वो भी बढ़ता जाएगा। 33 फीट के ऊपर जब हम होते हैं ना, तो सेम प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है आपके पास जो एटमोसफेयर, जैसा एटमोसफेयर हमारी बॉडी के ऊपर एग्जर्ट कर रहा होता है 33 फीट के बाद जाके हमारे पास वो प्रेशर, उतना ही वाटर भी एग्जर्ट करने लग जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक पर्सन है जो कि 33 फीट बीनीथ प्रेजेंट है आपके पास ओशन की सरफेस है, अब उसके पास 2 ATM प्रेशर लग रहा है। 2 ATM प्रेशर कौन से वाला है? 1 ATM प्रेशर वो है जो कि वाटर उसके ऊपर लगा रहा है, और 1 ATM प्रेशर वो है जो कि एटमोसफेयर एट द सी लेवल उसके ऊपर लगा रहा था। और जैसे जैसे वो डिसाइड करता जाएगा 33 के ऊपर उसके पास 2 एटमोसफेयरिक प्रेशर था, 2 ATM था, और जब वो 66 फीट की डेप्थ के ऊपर जाएगा तो उसके पास 3 ATM हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर उसके अबव है वो उसके ऊपर 2 ATM का प्रेशर लगा रहा है, और जो ऊपर एटमोसफेयरिक प्रेशर है वो आपके पास 1 ATM एज इट इज़ है। तो इफेक्ट ऑफ द सी डेप्थ ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, बॉयल्स ला यही कहता है हमारे पास। इसकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, गिवन क्वांटिटी का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है उसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा होता है। तो इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है वो है कंप्रेशन ऑफ गैस टू द स्मॉलर एंड द स्मॉलर वॉल्यूम। जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, जाते जाएंगे तो जो वॉल्यूम होता है वो कंप्रेस होता जाता है आपके पास, ठीक है जी। 33 फीट डेप्थ के ऊपर चले जाएं, बिनी दसी चले जाएं, जब प्रेशर आपके पास 2 ATM होता है तो जो वॉल्यूम होता है वो अपने हाफ पे पहुंच चुका होता है। और इस तरह जब आप इंक्रीज़ करते जाएंगे और 8 ATM पे चले जाएंगे तो वो अपने 1/8 के ऊपर चला जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने बॉयज़ लॉ को एक्सप्लेन कर लिया। और यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो डाइविंग फिजियोलॉजी के अंदर है ना, अगर इंक्रीज प्रेशर हो जाएगा तो एयर के चैम्बर जो होते हैं डाइवर की बॉडी के, वो भी कोलैप्स हो सकते हैं, जैसे कि लंग्स हो सकते हैं, इससे सीरियस डैमेज हो सकता है हमारे पास, क्योंकि बाहर से जो प्रेशर आएगा वो कंप्रेस करेगा जब आगे उनको, जब वो कंप्रेस हो जाएंगे तो जो एयर का एक्सचेंज है ना वो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और एट द एंड आपको पता है कि इसका इफेक्ट लीथल हो सकता है। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है और सी लेवल वॉल्यूम, ये दोनों अलग चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये बात करते हैं कि 300 फीट की डेप्थ के ऊपर 1 लीटर वॉल्यूम की हम बात कर रहे होते हैं, और ये वही क्वांटिटी होती है अगर हम बात करेंगे सी लेवल के ऊपर 10 लीटर, यानी कि 300 फीट के ऊपर जो वॉल्यूम 1 लीटर के बराबर होता है, आप उसे सी लेवल पे लेके आएंगे तो उसके ऊपर से प्रेशर को रिमूव करें तो वो 10 लीटर के बराबर होता है। तो ये बात यहाँ पर मैनिफेस्ट हो जाती है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे इसका जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज़ करता जाता है। अब इफेक्ट ऑफ द हाई पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस ऑन द बॉडी आ गया जी। तो हमारे पता है हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेज हैं वो अपने इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के साथ प्रेजेंट हैं। अच्छा, अब हम बात करें नाइट्रोजन नार्कोसिस हो सकता है हाई नाइट्रोजन के प्रेशर के ऊपर। और नाइट्रोजन नार्कोसिस जो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होती है ना वो एयर के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट होता है 78% वो नाइट्रोजन का ही होता है हमारे पास। सी लेवल के प्रेशर के ऊपर जो नाइट्रोजन है उसके पास कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता हमारे पास, लेकिन जैसे हम हाई प्रेशर के ऊपर जाते हैं तो नाइट्रोजन की नार्कोसिस होने के चांसेस इंक्रीज़ करते जाते हैं। जब डाइवर सी के अंदर रहता है ना तकरीबन 1 घंटे या इससे ज़्यादा के लिए, तो उसके पास नाइट्रोजन एमिटर की जो नार्कोसिस है ना उसकी पहली सिम्टम्स अपीयर होने लग जाती हैं। और जैसे वो 120 फीट की डेप्थ के ऊपर जाता है तो माइल्ड सिम्टम अपीयर होंगी, और वो माइल्ड सिम्टम के अंदर क्या है ज्वेलिटी होने लग जाएगी, और उसकी जो है ना वो केयर सेंसेस थोड़ी थोड़ी लॉस होने लग जाएंगी। 150 से 200 की फीट पे, अगर 200 फीट की डेप्थ पे जाएगा तो ड्राउजी होने लग जाएगा, और 200 से 250 पे जाएगा ना तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और ड्राइवर वो क्लम्जी होता जाएगा, और उसे जिस काम के लिए भेजा गया है वो उस पर काम को परफॉर्म करने के लिए उतना विजिलेंट नहीं रह सकेगा। अब 250 डेप्थ से भी अगर कोई 250 फीट की अगर कोई डेप्थ से भी नीचे जाएगा तो वो यूज़लेस होने लग जाएगा। यूज़लेस क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन नार्कोसिस हो गया है, और अगर वो इसकी इस डेप्थ के अंदर काफ़ी देर के लिए रहेगा तो फिर जो रिज़ल्ट है वो फैटल हो सकते हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस के पास करेक्टरिस्टिक बिल्कुल इसी तरह होते हैं जैसे किसी को अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन हो गई है, इसीलिए इसको कहते हैं रैप्चर्स ऑफ द डेप्थ, ठीक है जी।
अब क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होती है, इसकी खास बात यह है कि डिजोल्व करती है फैटी सब्सटेंस के अंदर, न्यूरोनल जो मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर। जो नाइट्रोजन है ना, इसकी डिफ्यूजन फैट के अंदर जो है ना, वो 5 टाइम ग्रेटर है बाकी गैसों के नस्बत, ठीक है। और ये डिजोल्व कर जाती है फैटी टिश्यू के अंदर, और न्यूरोनल जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है ना, उनके अंदर जाके इसने डिजोल्व कर जाना है। और इसका फिजिकल इफेक्ट होता है कि आयनिक कंडक्टर्स को चेंज कर देती है। जब ये आयनिक कंडक्टर्स को चेंज कर देगी ना मेम्ब्रेन से जाके, तो फिर इससे न्यूरोनल जो एक्साइटेबिलिटी वो चेंज हो जाएगी। अब न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जिस बंदे की चेंज हो जाए, तो अब उस पर नॉर्मल इम्पल्स जनरेशन का जो फिनोमेना है वो वैसे ही विजनेट नहीं रह पाएगा। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसके जो सारे के सारे जो मैसेजेस जा रहे थे, जो इम्पल्स जा रही थी, उनके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास ये रैप्चर्स ऑफ द डेप्थ हो जाएगा। अगर आप असेंड करेंगे उसको शैलोअर लेवल के ऊपर, यानी कि ऊपर ले आएंगे उसको, तो फिर आपके पास हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए कुछ मिनट के अंदर। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके जो ना, जो इसका हम कहेंगे कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन अगर डेप्थ के अंदर इंस्यू किया जाए तो फिर वो फैटल हो सकता है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी एट वेरी हाई प्रेशर। अच्छा, जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। अगर ऑक्सीजन नॉर्मल मोलिकुलर फॉर्म में है तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन अगर ऑक्सीजन अपने ये रेडिकल्स वाली फॉर्म के अंदर आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। इफेक्ट ऑफ वेरी हाई पार्शियल प्रेशर ऑन द ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ऊपर चला जाता है, तो जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना वाटर ऑफ द बॉडी के अंदर, यानी कि जो वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म के अंदर होती है, वो इंक्रीज करती है मार्कली, ठीक है। इसे हम अगली फिगर में देखेंगे, जहाँ पे हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व भी दिखाया हुआ है। और इससे अगर हम देखें कि जो पार्शियल प्रेशर वो 3000 मिलीमीटर मर्क्यूरी से भी ज़्यादा तक पहुँच जाता है आपके पास, ठीक है जी। जो नॉर्मल रेंज होती है एल्वियोलर, जब हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है ना एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर की, जो कि 120 होता है, उसके बाद जो टोटल ऑक्सीजन होती है हमारी ब्लड के अंदर, वो ये डिजोल्व फॉर्म के अंदर जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होती। वो हमारी सारी की सारी जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑलमोस्ट सारी की सारी बाउंड हुई होती है। और लेकिन जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, तो जो ऑक्सीजन होती है ना इस डिजोल्व फॉर्म के अंदर, यानी कि जो डिजोल्व फॉर्म के अंदर वाटर ऑफ ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन फिर रही है, वो ज़्यादा होती जाएगी। नॉर्मली ये वाली जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे ही ये इंक्रीज़ करता जाता है, इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती जाएगी, तो ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ये अपनी कंसनट्रेशन के अंदर ज़्यादा होती जाएगी। अब क्या होगा इफेक्ट ऑफ द हाई पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाता है। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि अब हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है ना वो 3000 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक चला गया, नॉर्मली हमारे पास 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक होता है, तो जो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट होता है ना बाहर 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर, अब वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक फिगर के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है 45.2 के अंदर, ये नीचे वाला जो ग्राफ है इसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो टोटल ऑक्सीजन का कंटेंट है ना हर 100 ml ऑफ द ब्लड के अंदर, वो अब 29% वॉल्यूम हो गया है। यानी कि टोटल वॉल्यूम में से जो 29% है ना वॉल्यूम का, वो अब ऑक्सीजन ही बना रही है। और यहाँ पे पॉइंट ए भी दिखाया होगा कि 29% वॉल्यूम है। अब हमें पता है कि नॉर्मली जो सर्कुलेशन की डायनेमिक्स है उसमें इस तरह ही होता है कि जब ब्लड गुजरता है तो उसके अंदर से जो 5 ml होता है ना ऑक्सीजन, वो 5 ml जो है वो ऑक्सीजन दे देता है टिश्यू को और बाकी सारी की सारी वो ले जाता है। जैसे हमें पता है कि नॉर्मली हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो 20 ml कैरी हो रही होती है पर 100 ml ऑफ द ब्लड। तो जब भी 100 ml आता है और टिश्यूज़ के पास लेके आता है, तो जो टिश्यूज़ होते हैं वो उसमें से 5 ml ले लेते हैं और बाकी उसके पास 15 रह जाती है, या ऑलमोस्ट आप कह लें 14.5 रह जाती है, इतनी ऑक्सीजन रह जाती है। जो 20 वॉल्यूम% हो सकता है इसके अंदर, हम कहेंगे टोटल अगर 29 है, जिसमें से जो 20 वॉल्यूम% है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड ही हुआ है, और जो 9 वॉल्यूम% है वो डिजोल्व हुआ है आपके पास। और फिर वही बात है कि वो 5 ml दे देगा, बाकी 24 वॉल्यूम% इसके अंदर रह जाती है, ठीक है जी। और अब अगर हम देखेंगे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर कम हो जाए 1200 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक आ जाए, इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन हो चुकी है डिलीवर हो गई है टिश्यूज़ के ऊपर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर के ऊपर। नॉर्मल जो प्रेशर था जिसके ऊपर 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी, अब जो बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है वो हाई प्रेशर के ऊपर हो रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक दफ़ा हमारी बॉडी के अंदर जो क्रिटिकल सेट पॉइंट है, जो कि बड़ी स्ट्रिक्टली मेंटेन कर रहा होता है पार्शियल प्रेशर को 20 और 60 की रेंज के अंदर, अगर ये एक क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्रॉस हो जाए, तो फिर जो हीमोग्लोबिन का बफर सिस्टम होता है ना ऑक्सीजन वाला, वो आपके पास वो कॉम्पिटेंट नहीं रहता। एंड एट द एंड एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग के इफेक्ट हम देखते हैं। एक्यूट ऑक्सीजन पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो सकती है आपके पास। अगर हम ब्रीथिंग करें ना ऑक्सीजन की 4 ATM के प्रेशर के ऊपर, तो क्या इफेक्ट होने वाला है हमारे पास, तो इफेक्ट जो होने वाला है वो यही होने वाला है हमारे पास कि ब्रेन के सीजर हो सकते हैं। तो ब्रेन के सीजर हो गए और उसके बाद कोमा हो गया 30 से 60 मिनट के अंदर।
और ये जो सीज़र होते हैं इसके पहले कोई वार्निंग वगैरह भी नहीं होती कि अगर बंदे को कुछ फील होने लग जाए कि मुझे ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जिसकी वजह से मेरे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, मसल की ट्विचिंग हो सकती है, डिजीनेस, डिस्टर्बेंसेज ऑफ विजन, इरेटेबिलिटी, डिसोरिएंटेशन, और अगर एक्सरसाइज होगी तो एक्सरसाइज इसकी इस ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी से उसको ज़्यादा बढ़ा देगी। जो एक्सरसाइज है वो इस कंडीशन में और ज़्यादा फैक्टर होती है। एक्सरसाइज अक्सर हमारे पास जो होती है ना वो अगर कार्डिक फेलियर का एक पेशेंट है तो उसके अंदर भी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा जो है ना डिवास्टेटिंग इफेक्ट रखती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अगर एक्सेसिव इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन एज अ काज ऑफ नर्वस सिस्टम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी या ऑक्सीडाइजिंग फ्री रेडिकल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। वो क्यों अच्छी होती है, वो इसलिए अच्छी होती है उसके पास लिटल कैपेसिटी होती है कि ऑक्सीडाइज करेगी दूसरे केमिकल कंपाउंड को। पहले इसको कन्वर्ट होना पड़ता है एक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, फिर कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल की जिनके बहुत ही ख़राब इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं तो सुपर ऑक्साइड का फ्री रेडिकल आ जाता है, ये ओ टू फ्री इनएक्टिव दिखाया हुआ यहाँ पे उन्होंने, और इसके अलावा पर ऑक्साइड का रेडिकल होता है जिसके अंदर अंदर ये हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाता है, ओ एच की फॉर्म के अंदर आ रहा होता है आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एच टू ओ टू की फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। और हत्ता के जब हमारे पास टिशू का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल भी हो 40 मिलीमीटर मैकी के प्रेशर के ऊपर, स्मॉल अमाउंट जो होती है ना इन रेडिकल की वो प्रेजेंट होती है हमारे पास कंटिन्यूली, बन भी रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के इंजाइम्स रखे हुए हैं जो इनको काउंटर कर रहे होते हैं। अगर नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर ये परऑक्साइड या फिर सुपरऑक्साइड बन रहे होते हैं तो इनको तोड़ने के लिए इंजाइम परऑक्सीडेजेस है, कैटालेजेस हैं, सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेजेस हो सकती हैं। इसीलिए जब तक हमारे पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बफरिंग मैकेनिज्म मेंटेन करके रखे हुए ना नॉर्मल ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को, जो ऑक्सीडाइजिंग फ्री रेडिकल हो सकते हैं उनको हमारी बॉडी से बहुत जल्दी रिमूव किया जाता है और उनका कोई भी डेट्रीमेंटल इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जैसे हमने ऊपर बात की थी, अगर एक क्रिटिकल एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो ये है कि अगर 2 ATM पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चला जाएगा तो जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बफरिंग मैकेनिज्म है ना वो फेल हो जाएगा। जैसे अब ये क्रिटिकल लेवल जो है ना 2 ATM का ये क्रॉस हो जाएगा तो अब आपके पास जो बफरिंग मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा और जो पार्शियल प्रेशर जो है, अच्छा, अब जब ये क्रिटिकल लेवल से ऊपर चला जाएगा ना ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन तो फिर जो हीमोग्लोबिन का बफरिंग मैकेनिज्म है वो फेल कर जाएगा, टिशू का पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का वो काफ़ी हद तक राइज कर जाएगा, और जब वो राइज करेगा ना तो फिर जो अमाउंट होती है ना ऑक्सीडाइजिंग फ्री रेडिकल की वो इन एंजाइम सिस्टम को भी जाके इनएक्टिव कर देगा, और इससे अब क्या होगा, अब वो रिमूव नहीं हो रहे होंगे और इनके डिस्ट्रक्टिव जो इफेक्ट हैं उनको होने से अब कोई नहीं रोक सकता क्योंकि जो डिफेंस बैठा था ना उनको इन एंजाइम के एक्सेसिव एक्युमुलेशन ने ही आके काउंटर कर दिया। और अब इनके डिवास्टेटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब ये वाले जो सुपर ऑक्साइड के रेडिकल वगैरह अब जाएंगे हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ना जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन बनाई होती हैं उनके पास जाएंगे और उनको जाके ये ऑक्सीडाइज करने लग जाएंगे, इस तरह सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, सेलुलर जो एंजाइम पड़े उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, जो सेलुलर मेटाबॉलिक सिस्टम है उनको डैमेज करेंगे, नर्वस सिस्टम के जो नर्वस टिश्यू हो सकते हैं उनके पास लिपिड कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है जाके उसको डैमेज करेंगे। तो जो ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी है ना वो हमारे पास ब्रेन के डिसफंक्शन को बड़ी जल्दी काज कर देती है। अब क्या है, ये हमने एक्यूट की बात की थी यानी कि बहुत जल्दी एक्यूट हुआ, एक्यूट से हमने देख लिया कि कुछ रेडिकल्स वगैरह फ्री रेडिकल बने थे हमारे पास और सुपर ऑक्साइड के रेडिकल थे या दूसरे रेडिकल जितने बने थे उन्होंने जाके मेम्ब्रेन को डैमेज किया। अगर क्रोनिक ऑक्सीजन की पॉइजनिंग है ना उससे पल्मोनरी डिसेबिलिटी हो गई, एक्यूट से हमारे पास क्या हुआ ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हुई, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी से हमारे पास ब्रेन डिसफंक्शन हो गया। अगर क्रोनिक है तो क्रोनिक से क्या होने वाला है, क्रोनिक से पल्मोनरी डिजीज़ होने वाली है। अगर आप देखें तो अब क्रोनिकली है, अगर एक पर्सन है जिसको आपने एक्सपोज किया हुआ है 1 ATM प्रेशर से, उसके पास उसको 1 ATM प्रेशर अगर हम दें तो इनडेफिनेटली 1 ATM प्रेशर को वो बर्दाश्त कर सकता है एक्यूट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को डेवलप किए बगैर, ठीक है जी, और उसका नर्वस सिस्टम को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो नर्वस टिश्यू का इफेक्शन है इन्फेक्ट होना ना वो हमारे पास होना है उसने अफेक्ट होना है ना सॉरी अफेक्ट जो होना है नर्वस सिस्टम ने वो एक्यूट कंडीशन में होना है। लेकिन अगर क्रोनिकली उसको आहिस्ता आहिस्ता 1 ATM प्रेशर दे रहे हो तो वो नॉर्मली इसको मेंटेन करता रहेगा, वो इसको बर्दाश्त करता रहेगा और नर्वस सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन सिर्फ 12 घंटे अगर अभी आपने उसको दिया होगा 1 ATM ऑक्सीजन का प्रेशर तो जो लंग के पैसेजवे की कंजेशन होने लग जाएगी, पल्मोनरी एडिमा होने लग जाएगा, एटिलेक्टेसिस होने लग जाएगा। अच्छा, अब एडिमा होने लग जाएगा, एटिलेक्टेसिस होने लग जाएगा, वो वजह ये है
कि जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है वो यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा, लेकिन जो पल्मोनरी सिस्टम है वहाँ पे मसला होने वाला है। जो रीज़न है इस फैक्ट के लिए वो यही है कि जो दूसरे सारे के सारे टिश्यूज़ हैं ना हमारी बॉडी के अंदर और दूसरे जितने भी सिस्टम हैं उनके पास नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आ रहा है, लेकिन जो लंग्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टली ऑक्सीजन की पॉइजनिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पर हाई जो प्रेशर है ना ऑक्सीजन का वो डायरेक्टली कहाँ पर आके अटैक कर रहा है, वो आते साथ ही अटैक कर रहा है हमारे सारे के सारे पल्मोनरी सिस्टम के ऊपर। लेकिन जो ऑक्सीजन है दूसरे बॉडी के टिश्यूज़ के पास वो तकरीबन नॉर्मल ही है, क्योंकि उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बफर सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरह से फंक्शनल है, जबकि जो लंग वाले टिश्यू हैं उनके ऊपर ये फंक्शन नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पर ये डायरेक्ट इम्पैक्ट काज कर रहा है, इसलिए इस जो हमारे पास क्रोनिक केस होता है ना क्रोनिक, वहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी डैमेज होता है। जैसे ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है वैसे बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी भी होती है, और मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड की टॉक्सिसिटी तब होती है जब कोई सी डाइविंग के लिए जाते हैं और उनके पास ना अपना हेलमेट होता है, और जब वो इस हेलमेट के अंदर री ब्रीथ करते हैं बार बार तो कार्बन डाइऑक्साइड उनकी जो डेड स्पेस होती है ना हेलमेट और उनके माउथ के दरमियान के अंदर जो होती है वो डेड स्पेस, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बार बार वो सिक्रीट कर रहे होते हैं अपने माउथ से, और वो वहाँ पर बिल्डअप होने लग जाती है और दोबारा से वो री ब्रेथ हो जाती है ड्राइवर, ड्राइवर उसको दोबारा अपने अंदर ले जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 80 मिलीमीटर मरकरी चला जाता है। नॉर्मल जो एल्वोलाई प्रेशर होता है उससे भी आपके पास डबल के ऊपर चला जाता है आपके पास प्रेशर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ड्राइवर जो होता है वो टॉलरेट करता है, यूजली वो ट्राई करता है कि इसको टॉलरेट करे, इंक्रीज़ करता है अपने माइन्यूट जो मिनट रेस्पिरेटरी वो मैक्सिमम रेट को 8 से 11 गुना बढ़ा देता है ताकि वो हर मिनट में उसको बाहर निकाल सके, लेकिन जो सिचुएशन होती है वो इतनी ज़्यादा इंटॉलरेबल हो जाती है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो एट द एंड डिप्रेस होने लग जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ना हमने ये देखा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे इतना ज़्यादा बिल्टअप हो गया कि अब जो रेस्पिरेटरी सेंटर होंगे वो डिप्रेस हो जाएंगे, नेगेटिव टिश्यू मेटाबॉलिक इफेक्ट हो जाएगा हाई पार्शियल प्रेशर की वजह से, और जो ड्राइवर की रेस्पिरेशन होती है वो फेल होने लग जाएगी रदर देन टू कंपनसेट, ठीक है। जो स्फेयर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने लग जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्यूमुलेट करने लग जाएगी, जब तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड के बनने का प्रोसेस एसिडोसिस करा देगा, लेथर्जी हो जाएगी, नर्कोसिस हो जाएगा और एट द एंड एनेस्थीजिया हो जाएगा। अच्छा अब हम जा रहे हैं जी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डीकम्प्रेशन होता है ड्राइवर का आफ्टर एक्सेसिव एक्सपोजर टू द हाई प्रेशर। डीकम्प्रेशन का मतलब क्या है कि अगर एक ड्राइवर था वो सी के अंदर प्रेजेंट था आपके पास, ठीक है जी, और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता वो असेंड करता है ना तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होता जाता है, तो जो उसकी बॉडी के ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेज वाटर प्रेशर लगा रहा था अब उसकी डीकम्प्रेशन होने लग जाएगी। वैसे तो ये लाइफ सेविंग है, क्योंकि अगर एक बंदा काफ़ी देर से डेप्थ में गया होगा लेकिन उसको ऊपर लेके आया जाएगा तो उसकी लाइफ सेविंग प्रोसेस ही होगा, लेकिन डीकम्प्रेशन से आपके पास देखा जाए तो डीकम्प्रेशन सिकनेस होने के भी चांसेस होते हैं। डीकम्प्रेशन में क्या होता है कि जब एक पर्सन ब्रीथ कर रहा होता है एयर को काफ़ी एक हाई प्रेशर के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम के लिए, तो जो नाइट्रोजन होता है ना वो उसके बॉडी के फ्लूइड के अंदर डिजोल्व हो जाता है, अब ये चूँकि जो ब्लड फ्लो कर रहा है सारी की सारी पल्मोनरी कैविटी से अब सेचूरेट हो चुका है नाइट्रोजन के साथ, अब ये वही वाला सारे का सारा प्रेशर होता है जो कि हमारी एल्वियोलर ब्रीदिंग मिक्सचर के अंदर होता है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर डायरेक्टली नाइट्रोजन आ रही है बाहर से, और कुछ अगर थोड़े घंटे और एक बंदा जो है वो हाई डेप्थ के अंदर रहेगा तो इनफ नाइट्रोजन आपके पास सारे के सारे टिश्यू जो है ना हमारी बॉडी के अंदर उनके तक कैरी की जाएगी और उनकी भी जाके नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर को बढ़ा देगी, और फिर जो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा उस पार्शियल प्रेशर के जो कि ब्रीदिंग एयर के अंदर है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर वो मेटाबोलाइज नहीं होती, तो वो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर डिजोल्व ही रहती है, जब तक कि जो नाइट्रोजन का प्रेशर होता है ना वो लंग्स के अंदर वो डिक्रीज ना किया जाए उसी लेवल के ऊपर जिस लेवल के ऊपर वो पहले था, और वो डिक्रीज आप तभी कर सकते हो जब इतनी ज़्यादा आप एक्सेसिव एक्सपायरेशन करोगे, ठीक है जी। तो अब हम नाइट्रोजन को उस लेवल से रिमूव तो नहीं कर पा रहे होते, तो इसको रिमूव करने का यही तरीका कि आप अपने रेस्पिरेटरी रेट को इतना तेज़ करो कि रिवर्स रेस्पिरेटरी प्रोसेस हो जाए और जो एक्सेसिव नाइट्रोजन बॉडी के अंदर डिजोल्व हो गई है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जो रिमूवल होता है वो उसे घंटे लग जाते हैं होने में, और इस तरह अगर वो प्रॉपरली ना हो और कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो इसे हम कहते हैं कि डीकम्प्रेशन सिकनेस हो गई है आपके पास, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या जी, वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन डिजोल्व इन द बॉडी फ्लूड एट डिफरेंट डेप्थ आगे जी, ऑलमोस्ट जो 1 लीटर होता है हमारे पास ना 1 लीटर नाइट्रोजन का वो डिजोल्व होता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सी लेवल के ऊपर, और 1 लीटर से और इसका भी हाफ नाइट्रोजन जो होती है वो डिजोल्व होती है वाटर ऑफ द बॉडी के अंदर, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी के अंदर हमारे पास 1 लीटर होता है अब्जॉर्ब सी लेवल के ऊपर, और इसका भी हाफ हमारी बॉडी के वाटर के अंदर अब्जॉर्ब होता है, और उससे हाफ से भी हाफ यानी लिटल मोर देन वन हाफ सॉरी यानी कि उस हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमारी बॉडी के फैट के अंदर जो होता है वो नाइट्रोजन आ जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो 5 गुना ज़्यादा सोलेबल है फैट के अंदर एज़ कम्पेयर टू वाटर, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ वाटर सोलेबल। अब जब ड्राइवर सेचूरेटेड हो जाता है नाइट्रोजन के साथ, जो सी वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन
अब उसकी बॉडी के अंदर डिजोल्व जो होता है वो डिफरेंट डेप्थ के ऊपर हमारे पास इस तरह दिखाया गया कि जीरो अगर उसके पास फीट अभी वो डेप्थ पे नहीं गया तो नॉर्मल सी लेवल के ऊपर है जी, तो 1 लीटर है 33 फीट के पास जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है ऊपर से, जैसे हमारी डेप्थ बढ़ती जा रही है वैसे ही नाइट्रोजन जिसके अंदर जो डिजोल्व होती जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। अब कुछ आवर्स हमारी बॉडी को रिक्वायर हैं कि हम सारी की सारी बॉडी के अंदर ना नाइट्रोजन को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो बॉडी के अंदर कुछ पोर्शन है जैसे वाटर है, अब तीन डोमेन के अंदर नाइट्रोजन ने डिस्ट्रीब्यूट होना है। नंबर वन कौन कौन सी डोमेन अब होने वाली है हमारे पास, नंबर वन के ऊपर अब कौन सी डोमेन है जी, एक तो बॉडी को चाहिए, फिर बॉडी के अंदर जो वाटर्स हैं उनको चाहिए, फिर टिश्यू के अंदर चाहिए, फैट के अंदर चाहिए जाके उसको। तो सारे के सारे बॉडी के ऊपर जो टिश्यूज हैं उन्होंने इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाना है, गैस का प्रेशर जब एल्वेलाई के अंदर जितना है उतना उन्होंने लेके आना है जी। तो जो रीज़न है वो इस रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम के लिए वो ये है कि जो ब्लड है ना वो रैपिडली नहीं गुजर रहा होता और ना ही डिफ्यूज़ करता है रैपिडली इंस्टेंटेनियसली, ना ब्लड गुजर रहा होता है कि वो जाए और इतनी अच्छी तरह से डिफ्यूज़ कर जाए हर जगह के ऊपर। तो जो नाइट्रोजन डिजोल्व इन द वाटर ऑफ द बॉडी होती है ना वो हमारे पास एक से कम घंटे के अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाती है, लेकिन जो फैट टिश्यू है ना उसके अंदर वाटर की जो वो सॉरी जो नाइट्रोजन की ट्रांसपोर्ट है ना उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। क्यों ट्रांसपोर्ट के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे पुअर ब्लड सप्लाई है। अब नाइट्रोजन ने एल्वेलाई से आपके पास वो नाइट्रोजन जो ब्लड था उसने एल्वेलाई से नाइट्रोजन तो ले ली, लेकिन अब उसने जब आना है हमारे पास फैट के टिश्यू पर तब उसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, तो सेवरल आवर उसे रिक्वायर्ड होते हैं पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैलने में। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारी बॉडी के अंदर बड़ी जल्दी से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश तो नहीं होने वाला। तो अगर एक पर्सन वाटर के अंदर रहता है काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए ना तो उसके पास जो नाइट्रोजन है वो इक्विलिब्रियम में आ सकती है, लेकिन अगर वो थोड़े से मिनट्स के लिए रहता है तो ज़्यादा नाइट्रोजन डिजोल्व भी नहीं होती बॉडी के अंदर और इस तरह आपके पास सिकनेस के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्गली वहाँ पे रहेंगे या फिर डेप्थ के अंदर ज़्यादा रहा जाएगा तो फिर आपको पता है अल्टीमेटली जो चीज़ है वो यही होगी कि जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी। जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन डिजोल्व होगी उतने ही ज़्यादा आपके पास चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे नाइट्रोजन की सिकनेस होने के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वही आगे डीकम्प्रेशन सिकनेस आ गई। डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या होती है, डीकम्प्रेशन सिकनेस के डिफरेंट नेम्स हैं, बैंड्स हैं, कंप्रेस्ड एयर सिकनेस है, केजन डिजीज़ है और डाइवर्स पैरालिसिस या डिसबैरिज्म भी है। अगर एक डाइवर जो कि काफ़ी देर से सी के नीचे प्रेजेंट है, यहाँ भी आप सी लेवल समझ लें ये सी है लेकिन एक डाइवर काफ़ी देर से नीचे है, अब वो इतनी देर से नीचे है उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो भी काफ़ी सारी डिजोल्व हो चुकी है उसकी बॉडी के अंदर, अब जो डाइवर है वो सडनली वापस आ जाता है अपने सर्फेस के ऊपर, अपने सी के ऊपर, सी से ऊपर आ जाता है, लैंड के ऊपर आ जाता है, तो जो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ नाइट्रोजन होती है ना जो वो उसके अंदर से बबल करती है और वो बबल पूरे के पूरे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर बढ़ते हैं। अब वो इंट्रासेलुलरली भी हो सकते हैं या एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकते हैं, इससे माइनर या सीरियस डैमेजेस भी हो सकते हैं किसी भी एरिया के ऊपर बॉडी के, और ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बबल्स कितने बन रहे हैं, उसके अंदर टोटल नाइट्रोजन कितनी है और इंटेंसिटी क्या है जिसके साथ बबल्स बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब जितने साइज ऑफ बबल बनते हैं वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सिकनेस की इंटेंसिटी हमारे पास कितनी है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस होगा जी। अब जो प्रिंसिपल होते हैं ना बबल की फॉर्मेशन के अंदर वो हम डिटेल से देखेंगे। जैसे ही डाइवर डीप रहता है सी के नीचे रहता है जो प्रेशर होता है ना वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो बहुत ज़्यादा होता है, 5000 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है, वो कंप्रेस कर रहा होता है सारे के सारे बॉडी के टिश्यूज़ को, इतना सफिशिएंटली कर रहा होता है कि जो एक्सेस नाइट्रोजन गैस होती है वो डिजोल्व रहती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आने लगता है तो जैसे वो हमारे पास अब सी लेवल के ऊपर आएगा, नीचे उसके ऊपर 5000 प्रेशर पुश कर रहा था, बॉडी की सारी नाइट्रोजन डिजोल्व थी, लेकिन जैसे ही वो सर्फेस के ऊपर आया तो सिर्फ 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर है जो कि उसकी बॉडी को एक्ट कर रहा है। जो गैस का प्रेशर इनसाइड द बॉडी होता है ना वो सम है जी, सारी की सारी गैसेज का सम है, और वो अभी भी हमारे पास 4065 मिलीमीटर मर्करी है और बाहर सिर्फ 760 है। अब अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर प्रेशर आपके पास कम है, तो जो गैसेज होंगी वो कोशिश करेंगी कि वो डिजोल्व हो जाएं या वो बाहर निकल जाएं और वो अपना प्रेशर एग्जर्ट करके बाहर जाना चाहेंगी। अब ये पूरे का पूरा जो प्रेशर मैंने बताया आपको 4065, उसमें 97% कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ही नाइट्रोजन की, तो ये जो प्रेशर होता है अब ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो गैसेज होती हैं वो एस्केप करती हैं डिजोल्व स्टेट से और ये बबल बना देती हैं, और ये बबल कंपोज होते हैं सारे के सारे नाइट्रोजन के, ये टिश्यूज़ के अंदर भी होते हैं और ब्लड के अंदर भी होते हैं। अब ये जो बबल्स हैं ये सिर्फ बबल फॉर्मेशन ही खतरनाक नहीं है, अब बबल्स किस वजह से खतरनाक है, इस वजह से ये बहुत से छोटे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको प्लग कर देते हैं और बबल मिनट से आर में अवेयर कर सकते हैं, या फिर जो बबल्स हैं ना हो सकता है कि जल्दी अवेयर ना करें क्योंकि कुछ गैसेज हमारी बॉडी के अंदर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्व हुई होती हैं, वो इतनी जल्दी बबलिंग नहीं करती, लेकिन कुछ गैसेज आपके पास जल्दी बबलिंग करती हैं। अब सिम्टम्स क्या होने वाली हैं इस डीकम्प्रेशन सिकनेस की, बैंड्स, अच्छा 2-3 टर्म्स हैं, एक है बैंड्स और एक है चोक, ये थोड़ी ना स्पेसिफाई की जाती हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह स्पेसिफाई करना है। जो सिम्टम्स होती हैं वो क्यों आती हैं, वो इस वजह से आती है कि गैस के बबल ब्लो करते हैं छोटे से ब्लड वेसल को डिफरेंट टिश्यू के अंदर जाके,
शुरू में तो सिर्फ छोटे ब्लड वेसल को ब्लॉक किया जाता है, लेकिन जैसे बबल कुलेज करते हैं, पहले छोटे छोटे बबल कुलेज किए आपके पास और छोटे वेसल को उन्होंने इफेक्ट किया था, अब बड़े बड़े वेसल्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। टिश्यू इस्कीमिया और इस तरह टिश्यू की डेथ रिजल्ट हो सकती है हमारे पास। अच्छा, बहुत से लोग जिनके अंदर डिकम्ब्रेशन सिकनेस हुई होती है ना, तो पेन ज्वाइंट के अंदर भी होती है और मसल ऑफ लेग के अंदर होती है और आर्म में भी होती है। ये ज्वाइंट की पेन इस वजह से होती है, जो बबल्स होते हैं ना, वो जाके जो ज्वाइंट होते हैं उनके अंदर जाके आपके पास पेन काज कराते हैं और इसको कहते हैं बैंड्स। इस कंडीशन जो स्पेसिफिकली अगर ज्वाइंट पेन की बात की जाए तो इसको बैंड्स कहते हैं और उसको इस कंडीशन के साथ रिलेट किया जाता है। और फिर बाकी वो वाले 5 से 10% पीपल जिनके पास डीकम्प्रेशन सिकनेस है, जो नर्वस सिस्टम की सिम्टम हैं, वो इस तरह आती हैं कि डिजीनेस हो जाता है, पैरालिसिस या कोलैप्स हो जाता है, अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। जो पैरालिसिस होता है वो टेम्परेरी भी हो सकता है, लेकिन डैमेज कभी कभी इतना डैमेज भी काज होता है जो डैमेज परमानेंट होता है आपके पास। 2% लोगों के अंदर चोक्स भी उनको देखने पड़ते हैं। चोक्स क्या होते हैं? मैसिव नंबर ऑफ माइक्रो बबल होते हैं ना, जो बहुत लार्ज नंबर हो गए छोटे छोटे बबल्स के, वो प्लग करते हैं कैपिलरीज ऑफ द लंग्स को। तो चोक वो वाली कंडीशन कहते हैं जब आप कोई बंदा स्ट्रेंगुलेशन कर रहा होता है ना, किसी का गले को आप दबा दो, चोकिंग कर दो, तो ये इस तरह होता है कि कोई आप हमारी ये स्ट्रेंगुलेशन एक टर्म होती है। और एक चीज़ होती है कि कोई आपके पास छोटा सा माइक्रो ऑब्जेक्ट आया और उसने आपके जाके ब्रोंकाई को ब्लॉक कर दिया, तो उसको भी चोकिंग कहते हैं हम। ठीक है, तो इसमें इस तरह होता है कि कोई चीज़ आ गई, ऑब्जेक्ट आपके ब्रोंकियोल को या ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, तो इसमें भी इस तरह होता है कि जो बबल्स होते हैं वो जाके माइक्रो बबल वो कैपिलरी ऑफ लंग को जाके चोक कर देते हैं। एंड देयर इज़ द रिजल्ट क्या होता है आपके पास? सीरियस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, पल्मोनरी एडिमा होता है और ओकेजनली डेथ हो सकती है आपके पास। अब नाइट्रोजन एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी डीकम्प्रेशन टेबल होता है। अब हमने डाइवर को मोस्टली क्या किया जाता है कि जो डाइवर होता है, अब उसमें हमें पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर यही है कि उसको सरफेस के ऊपर अगर आपने लेके आना है ना, स्लोली स्लोली लेके आओ, ताकि जो नाइट्रोजन आपने डिजोल्व हुई होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायरेशन के जरिए ना लंग्स के जरिए ही निकल जाए, ताकि हम डीकम्प्रेशन सिकनेस को बचा सकें। जो 2/3 होता है ना टोटल नाइट्रोजन का, वो पहले 1 घंटे में निकल जाती है, लेकिन जो बाकी 90% होती है वो लाइब्रेट होती है 6 घंटों के अंदर। तो फिर आपके पास नीचे उन्होंने एक टेबल डिज़ाइन किया हुआ है बुक के अंदर, कि जो नेवी ने, यूएस नेवी ने किस लिहाज से बनाया, उन्होंने कहा है कि 10 मिनट आपने स्टे करना है 50 फीट की डेप्थ के ऊपर, फिर 17 मिनट आपने 40 फीट की डेप्थ के ऊपर लेके एक्सपायरेशन करनी है, 19 मिनट का स्टे होना चाहिए 30 फीट की डेप्थ के ऊपर, एंड देन वी हैव 50 मिनट का स्टे एट द 20 फीट डेप्थ, और जब आप 10 फीट डेप्थ के ऊपर रह जाएंगे तो फिर आपने सिर्फ 84 मिनट, सिर्फ तो नहीं है लेकिन 84 मिनट का स्टे वहाँ पर होना चाहिए। इस तरह जो वर्कलोड होता है सी की बॉटम के लिए, सिर्फ एक आर के लिए, उसके लिए जो टोटल टाइम ऑफ डिकम्प्रेशन होता है वो 3 आर होता है। यानी कि अगर आपने वर्क पीरियड अगर आपने नीचे जाके सिर्फ 1 घंटे का काम करना है, तो उसके लिए जो आपके लिए डिकम्प्रेशन टाइम होना चाहिए ना, क्योंकि जब आप डेप्थ के अंदर जाओगे तो नाइट्रोजन बिल्डअप होने लग जाएगी, और नाइट्रोजन आपके बॉडी के ऊपर डिकम्प्रेशन सिकनेस ना करा दे, इसलिए आपने डिकम्प्रेशन के लिए 3 आर स्पेंड करने हैं। अब 10 डीकम्प्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिकम्प्रेशन सिकनेस होती थी, तो एक इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट होता है ना, अब डीकम्प्रेशन की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है आपके पास, वो वाइडली यूज़ होता है। वो आपके पास ये एक प्रेशराइज टैंक होता है कि प्रोफेशनल जो डाइवर होते हैं उनको आप इनपुट कर देना है एक प्रेशराइज टैंक के अंदर, और फिर आपने लोअर करना है प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता। जो मेन हमारा पर्पज़ है ना, वो यही है कि डाइवर को एकदम से ऊपर ना लेके आया जाए, ताकि बबल्स ना बने। ठीक है, मेन हमने अपने एम को अचीव करना है कि जो डाइवर है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आना है। अब चाहे हम उसे सी के अंदर कह दें कि तुम 10 मिनट का स्टे करो, 17 मिनट का स्टे करो, जैसे हमने पहले एक पूरा टेबल बताया, या फिर हम ऐसे करें कि ड्राइवर अगर ऊपर आ गया ना, उसे एक टैंक के अंदर रख दें और टैंक के अंदर हम वो प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता लोअर करें, जैसे हम अपनी एप्लीकेशन वैसे वहाँ पर करना चाह रहे थे, और इस कंडीशन से भी बिल्कुल हम उसे बचा सकते हैं। अच्छा, टैंक डीकम्प्रेशन बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जहाँ पे सिम्टम्स ऑफ डीकम्प्रेशन सिकनेस डेवलप होने लग गई हैं और वो सरफेस के ऊपर आ गए हैं। इस केस के ऊपर अब क्या होगा जी, अब सिम्टम होने लग गए हैं तो आप क्या करोगे, आप पहले रीकम्प्रेशन करोगे, दोबारा से उतना प्रेशर अप्लाई करोगे जितना डाइवर की बॉडी के ऊपर था जब वो सी के अंदर था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर को लोअर करोगे जिससे उसके ऊपर जो डीकम्प्रेशन सिकनेस है ना वो ना हो सके। ठीक है जी, सैचुरेशन डाइविंग होती है जब डाइवर किसी काम के लिए 250 से लेकर 1000 फीट की डेप्थ के ऊपर जाते हैं ना, उनके पास लार्ज कंप्रेशन टैंक होते हैं डेज और वीक्स के लिए, और वो कंप्रेस एयर लेके जा रहे होते हैं और वो वाले प्रेशर के ऊपर जिस पे उन्होंने काम करना होता है, एक तो उनका ये फिनोमेना होता है। लेकिन एक जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, जिस टेक्निक का जिक्र है वो यही है कि जब डाइवर ने काम करना होता है ना, तो उनको पहले ही
उनकी डाइविंग से पहले ही लार्ज जो कंप्रेशन टैंक है ना उनके लिए उनके अंदर डेज और वीक में रखा जाता है, उनको उस प्रेशर से एक्सपोज कराया जाता है जिस प्रेशर से आगे उन्होंने जाके एक्सपोज होना है। उनके जो बॉडी फ्लूड होते हैं उनको आदत हो जाती है कि हमने हाई प्रेशर में रहना है, और जब वो नीचे जाते हैं इसलिए उनको कोई मसला नहीं होता कि हमारे पास हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा है। और इस तरह वो जो बिल्डअप होता था ना नाइट्रोजन नार्कोसिस वगैरह जो नाइट्रोजन की सिकनेस है वो भी चीज़ अवॉइड हो जाती है। इस तरह जब उनकी बॉडी को पहले आप एक्सपोज करा देते हो उसे और जब वो बाद में आती है तो उसको कोई भी जो सिकनेस है उसका सामना नहीं करना पड़ता, और आप इसको दोबारा से डीकम्प्रेशन टैंक के अंदर रख के उनको आहिस्ता आहिस्ता से उसका प्रेशर लोअर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से डीप डाइवर होते हैं उनके साथ हम ना अब नाइट्रोजन गैस की बजाय यूज़ करते हैं हीलियम गैस को। नाइट्रोजन के हमने नुकसान देख लिए, अब हम हीलियम की बात करते हैं कि हीलियम क्यों फ़ायदेमंद है। हीलियम एक जो इसका पहला फ़ायदा वो ये है कि इसका जो नारकोटिक इफेक्ट है वो सिर्फ 1/5 है। नंबर 2 कि ये जो डिसोल्व करती है ना वो बहुत कम डिसोल्व करती है, 1/2 डिसोल्व करती है, और जितनी डिफ्यूज़ करती है वो भी टिश्यू से जल्दी से बाहर निकल आती है। और जो डीकम्प्रेशन इसकी ना बहुत ही कम होती है, यानी कि हम कह लेना कि जो डीकम्प्रेशन होता है ना टिश्यू के अंदर वो बड़ी जल्दी वहाँ से निकल आएगी और इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं छोड़ती आपके पास। और जो लो डेंसिटी होती है हीलियम की और ये एयर वे रेजिस्टेंस को भी कम रखती है आपके पास। इस तरह इसके तीन जो पॉइंट हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हीलियम को यूज़ करते हैं। डीप डाइवर के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को गैशियस मिक्सचर के अंदर भी ना इंपॉर्टेंट रखें और लिमिटेड रखें, जितनी ज़रूरत है उतनी रखें। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें पता है कि इफेक्ट होने लग जाता है। 1% ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है या डाइवर की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो ये जब ये पूरी कर रही है, जबकि अगर 21% मिक्सचर आप ऑक्सीजन का दे दोगे ना तो फिर आपको पता है कि एट द एंड 4 ATM का प्रेशर है तो सीजर्स हो सकते हैं इन एज इट एज 30 मिनट्स आगे। ठीक है, आगे अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट आ रहा है टेक्निक है, उसको कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस स्कूबा डाइविंग। स्कूबा में हम देखते हैं क्या चीज़ें चाहिए होती है कि ये सेल्फ कंटेन्ड एक अंडर वाटर ब्रीदिंग ऑपरेटिव है। ठीक है, ओपन सर्कल डिमांड सिस्टम है, इसे एक या एक से ज़्यादा टैंक हो सकते हैं जिसके अंदर कंप्रेस एयर होता है। नंबर 2 इसके पास एक फर्स्ट स्टेज एक रिड्यूसिंग वेल्व होता है जो कि आपके पास रिड्यूस करता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर जो कि टैंक से निकल रहा होता है एक लो प्रेशर के ऊपर। और नंबर 3 के ऊपर कम्बिनेशन होता है इनहेलेशन डिमांड वेल्व का और एक एक्सहेलेशन वेल्व का जो कि अलाउ करते हैं एयर को लंग के अंदर लेके जाते हैं स्लाइड नेगेटिव प्रेशर ऑफ द ब्रीदिंग और फिर वो अलाउ करते हैं कि इसको बाद में एक्सहेल भी किया जाए सी लेवल के ऊपर आके एक प्रेशर के लेवल जो कि स्लाइटली पॉजिटिव होता है सराउंडिंग वाटर प्रेशर से। ठीक है, और नंबर 4 के ऊपर एक मास्क होता है और एक ट्यूब सिस्टम जिसके पास एक छोटी सी डेड स्पेस होती है आपके पास। अब जो डिमांड सिस्टम है वर्क किस तरह करता है, जो पहला स्टेज रिड्यूसिंग वाल्व होता है ना उसने तो रिड्यूस कर देना है प्रेशर को टैंक के अंदर। अब जो टैंक है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, हमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, तो ये वाला वाल्व थोड़ा सा प्रेशर को कम कर देता है ताकि जो एयर डिलीवर वो की जाए ना मास्क को उसके पास प्रेशर कुछ थोड़ा ही मिलीमीटर मर्की ग्रेटर होगा उस प्रेशर से दो के बाकी वाले वाटर प्रेशर के। जो ब्रीदिंग मिक्सर होता है वो कंटिन्यूली नहीं आ रहा होता मास्क के अंदर बल्कि वो हर इंस्पायरेशन के साथ एक्स्ट्रा नेगेटिव प्रेशर जो कि होता है ना डिमांड वाल्व के अंदर वो मास्क के अंदर जनरेट हो जाता है और वो पुल करता है डायफ्राम ऑफ द वाल्व ओपन और ये एक्शन ऑटोमेटिकली रिलीज करता है एयर को टैंक से। यानी कि कंटिन्यूस फ्लो नहीं हो रहा हमारे पास टैंक से मास्क तक। जब इंस्पायरेशन होती है तो एक छोटा सा नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, जब वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है तो वो उसको पुल करता है और फिर टैंक से एयर रिलीज होकर उसमें आ रही होती है आपके पास और ये जो एक्शन ऑटोमेटिकली रिलीज करता है एयर टैंक से मास्क के अंदर। और इस तरह ओनली जो आपके पास अमाउंट ऑफ एयर नीडेड होती है ना वो इनहेलेशन के लिए जिसकी जितनी की ज़रूरत होती है ना जितनी एयर की ज़रूरत होती है उतनी ही एयर आ रही होती है हमारे पास, एक्स्ट्रा एयर नहीं आ रही होती। और साथ जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो जो एयर होती है ना वो वापस टैंक के अंदर नहीं जाती लेकिन वो एक्सपायर हो जाती है वाटर के अंदर ही। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम स्कूबा के साथ है कि वो हम इसको ना जो लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं और कुछ ही मिनट्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं 200 फुट डेप्थ के ऊपर, क्योंकि जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको वापस हम भेज नहीं सकते और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती जाएगी ना वो उसको वॉश आउट करने के लिए हमें उतना ही प्रेशर चाहिए होता है और ये उतना प्रेशर हमें नहीं मिल सकता। यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने कि जो रीज़न होती है ना इस लिमिटेशन के लिए वो यही है कि ट्रिमेंडस एयर फ्लो हमें चाहिए टैंक से ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर सकें। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ग्रेटर एयर फ्लो इन टर्म ऑफ क्वान्टिटी ऑफ एयर पर मिनट रिक्वायर्ड होगा, चूँकि जो वॉल्यूम यहाँ पे स्कूबा का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। एक उन्होंने मास्क दिखा दिया है और मास्क के साथ डिमांड वाल्व है, यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सपायरेशन के जो मास्क वाल्व है वो भी अटैच होते हैं, वाल्व जो होते हैं वो यहाँ पे अटैच होते हैं। ये एक होस है, ये सिलेंडर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये सिलेंडर्स के अंदर एयर है। फर्स्ट स्टेज वाल्व ने क्या करना है, यहाँ पे हाई प्रेशर है इसने यहाँ से प्रेशर को कम कर देना है और फिर इसने प्रेशर को यहाँ पे भेजना है, उस प्रेशर के साथ इन्होंने ऐसे फ्लो करना है, फिर यहाँ से जो बंदा इनहेल कर रहा होगा वो वाल्व के अंदर जो डायफ्राम होता है उसको करेगा
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर अंदर जनरेट हो, यहाँ से वो इसको सक करेगा, फिर जो सक करने के बाद जितनी एयर आ जाएगी फिर यहाँ से आना रुक जाएगी एयर, और फिर वो इसको इनहेल करेगा। जब उसने एक्सहेल करना है ना, तो एक्सहेल करेगा तो वो यहाँ पे टैंक पे वापस नहीं आएगी, बल्कि वो यहाँ पे डेड स्पेस में रहेगी, और डेड स्पेस में वाटर के अंदर वहाँ से चले जाना है। फिर उसको अब ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, क्योंकि अब इस डेड स्पेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई है। तो इस तरह यही इसकी लिमिटेशन बन जाती है कि अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगी, फिर उसे ज़्यादा फोर्स के साथ ज़्यादा एयर को, प्रेशराइज्ड एयर को लेके जाना पड़ेगा, ताकि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश आउट कर सके। अच्छा जी, अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जी, कि फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जो कि सबमरीन के अंदर देखना है। सबमरीन से भी अगर किसी ने एस्केप करना ना, तो उसके लिए आपको जो दो चीज़ें उसको याद रखनी है ना, वो एक या दो चीज़ें वो याद रखनी है, वो यही है कि वो एस्केप लाजमी करे, लेकिन वो इस बात को याद रखे कि जब वो एस्केप कर रहा है उसकी सबमरीन बहुत नीचे है, तो उसके पास वाटर नार्कोसिस भी हो सकता है वहाँ पर, और अब उसके जो एयर एम्बोलिज्म है वो बड़ी आसानी से हो सकती है। इसलिए प्रॉब्लम जो यही है कि अगर वो 300 फीट में जा रहा है किसी, ठीक है जी, 300 फीट के ऊपर जाता है, अगर वो नीचे 300 फीट के ऊपर है ना, तो किसी अपरेटस के बगैर है तो ये पॉसिबल है, वहाँ से निकल सकता है। लेकिन उसने जब ऊपर आना है तो वो आहिस्ता आहिस्ता है, ताकि वो एयर एम्बोलिज्म को अवॉइड करे, गैसेस एक्सपेंड ना करें। लेकिन अगर गैसेस एक्सपेंड कर गई, एयर एम्बोलिज्म वगैरह हो गई उसके अंदर, तो फिर पल्मोनरी वेसल रप्चर हो सकते हैं आपके पास, एंड एट द एंड फिर उसके पास कोई और चारा नहीं होगा, डेथ ही होगी वहाँ पे। क्योंकि जैसे पर्सन एसेंड करता है तो गैसेस लंग के अंदर एक्सपेंड करती हैं, और रप्चर भी कर देती है कभी कभी एक पल्मोनरी ब्लड वेसल को, और वो गैस को एंटर, वो फोर्स करती हैं गैस एंटर वो वेसल के अंदर, और एयर एम्बोलिज्म काज करें सर्कुलेशन के अंदर। इस तरह जैसे जैसे पर्सन असेंड करता जाता है, तो उसे चाहिए कि वो एक एफर्ट करे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूली एक्सहेल कर सके। अब हेल्थ के प्रॉब्लम हो गए जी इन द सबमरीन के इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा, जो सिर्फ इसके भी एक मसला नहीं है, जो सबमरीन है वो एक पैक्ड इन्वायरमेंट है, ठीक है, और वहाँ पर एक ऑक्सीजन भी है जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप अप्रोप्रिएट शील्डिंग करें, अगर वहाँ पे रेडिएशन है तो वहाँ से अप्रोप्रिएट शील्डिंग की जाए, अगर पॉइजनस गैसेस है, अगर स्मोकिंग वगैरह किया जा रहा है वहाँ पे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी वहाँ पे जनरेट हो सकती है, फ्रीओन गैसेस भी आ सकती हैं रेफ्रिजरेटर से निकल के। इसलिए इन चीज़ों को भी हमने ज़ेरे को रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये सबमरीन के अंदर हेल्थ हैज़र्ड की, कहीं यही चीज़ें हेल्थ हैज़र्ड ना बन जाए। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी क्या है? हाइपरबैरिक का मतलब यही है कि अब हाइपरबैरिक हाई ऑक्सीजन या हाई प्रेशर जो है ना ऑक्सीजन का, वो यूज़ किया जाए, इसके वैल्यूएबल इफेक्ट हो सकते हैं। हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो जाए, तो हमने भी पहले ही बात करके आए कि जो ऑक्सीजन के कुछ इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन के कुछ इफेक्ट होते हैं वो हमारे पास थेरापीटिकली यूज़ भी होते हैं आपके पास। जो पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन की वैल्यू 2 से 3 ATM प्रेशर एक मास्क से या इंट्राट्रेकियल ट्यूब से अगर हम देंगे ना, तो वो भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और हम यहाँ ये कर सकते हैं कि इसको याद इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन पार्शल प्रेशर पे दे दें, या फिर बाकी जो इर्द गिर्द की एयर उसको कंप्रेस किया जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्री रेडिकल जो कि टॉक्सिसिटी काज करते हैं, वो बहुत से केसेस में हमारे पास थेरापेटिकली यूज़फुल भी होते हैं कि हम ट्रीटमेंट कर सकें। गैस गैंग्रीन का हमने नाम सुना हुआ जी, जो गैस गैंग्रीन होते हैं उसको बैक्टीरिया जो काज करते हैं, वो क्लस्टीडियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एनारोबिक होते हैं, और वो जब ऑक्सीजन उनको मिल जाए ना, तो वो ग्रो करना आपके पास स्टॉप कर देते हैं। इस तरह जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की थेरेपी देते हैं ना, तो ऑक्सीजनेशन जब उनकी होती है तो वो स्टॉप कर देते हैं अपने इन्फेक्शियस प्रोसेस को, और फिर कन्वर्ट होते हैं वो वाली कंडीशन जो कि 100% नॉर्मल थी। इस तरह आपके पास डीकम्प्रेशन सिकनेस, आर्टीरियल गैस एम्बोलिज्म और कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉइजनस ऑस्टियोमाइलिटिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है।